डियर स्टूडेंट्स, यह है पांचवी क्लास के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 या जिसको बोलते हैं यूनिट 7 का दूसरा लेसन। उस लेसन में जो है ये नाम दिखा रहा है, अवर फ्रेंड चैप्टर का नाम है कंप्यूटर। अवर फ्रेंड कंप्यूटर, हमारा मित्र कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नाम सुने होंगे। कंप्यूटर एक ऐसा हम लोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया है कि बहुत सारे कार्य कंप्यूटर से होता है। अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर यह है बैंक में रहता है या बहुत जगह स्कूल मैंने स्कूल में कॉलेज में और भी जगह बहुत सारे काम कंप्यूटर द्वारा ही होता है। या जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिलती है ये कंप्यूटर। हम लोग जानेंगे कंप्यूटर कैसे क्या है, एक इसका विशेष कंप्यूटर का मीनिंग होता है, कंप्यूटर मतलब क्या होता है, फिर कंप्यूटर एक संगणक है। और इस चैप्टर को हम लोग बड़ी बात अच्छी तरह से समझेंगे क्या है ये, क्या बताता है कहानी इस चैप्टर, हम इससे क्या सीख सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। तो सबसे पहले क्या है, डू यू नो, क्या जानते हैं। हैव यू एवर सीन ए कंप्यूटर, क्या आप कभी कंप्यूटर देखे हैं। इफ यस वेयर, यदि हाँ तो फिर कहाँ देखे हैं। कंप्यूटर लुक्स लाइक ए टीवी, कंप्यूटर एक टीवी के जैसा दिखता है। बट डज डिफरेंट फंक्शन, लेकिन फंक्शन इसका जो होता है अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। कंप्यूटर का फंक्शन थोड़ा अलग है, टीवी का फंक्शन अलग है। रीड टू फाइंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में हम लोग कुछ और ज़्यादा जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। सभी बच्चे अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझने लायक है। और इस मोबाइल से भी आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, वर्ड आपको दिखा रहा होगा और समझते जाएं। कॉपी में जरूरत पड़े तो नोट भी करें। इन द सेवेंथ पीरियड, क्लास होती है स्कूल में तो पीरियड होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये सातवीं पीरियड की बात है। सातवीं पीरियड में होता क्या है, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, पांच क्लास के बच्चे जो है, हैव गेम्स, पांच क्लास के बच्चों को जो है गेम किया जाता है, गेम पांच क्लास के बच्चे जो खेलते हैं अंतिम घंटे समझे। तो द गेम्स टीचर टेक्स द चिल्ड्रन टू द स्पोर्ट्स रूम टू टेक सम स्पोर्ट्स मटेरियल। तो पांचवी क्लास के जो गेम टीचर हैं वे गेम्स के कुछ मटेरियल, गेम्स के मटेरियल को लेते हुए खेल कूद रूम जहाँ पर गेम्स होता है, गेम वहाँ उस रूम में बच्चों को ले जाते हैं। सम चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्या क्या खेल रहे थे, इंडोर गेम्स लाइक स्नैक्स एंड लेडर्स, स्नैक्स एंड लेडर्स जो सांप और सीढ़ी का खेल होता है लूडो, उस खेल को खेल रहे थे। और क्या कर खेल, कैरम बोर्ड, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, कुछ चेस खेल रहे थे, इटका आदि। सम चिल्ड्रन हैव टेकन आउटडोर, कुछ चिल्ड्रन जो है इंडोर नहीं आउटडोर का भी खेल का सामान जो है लेके खेलते हैं, मटेरियल टू प्ले खेलने के लिए आउटडोर, आउटडोर मटेरियल का भी सामान को लेके खेलते हैं उन लोग के पास है। व्हाइल लिविंग है द रूम,
रोम को छोड़ने के दरमियान रोम वहाँ से जाए जो है गए थे जहाँ वहाँ को वहाँ जो है लिविंग करते हुए यानी वहाँ से निकलते हुए ये हैं रिसु एंड खुशी। रिसु एंड खुशी दो स्टूडेंट्स हैं। हियर सुना, क्या सुनाई दिया उन लोग को? म्यूजिक इनसाइड द रूम, रूम के भीतर म्यूजिक, रूम के भीतर अंदर जो है ये नॉइस नॉइस सुनाई दिया, हल्ला सुनाई दिया, म्यूजिक नहीं नॉइस मतलब हल्ला आवाज सुनाई दिया। दे रैन टुवर्ड्स, वे लोग जो है रिवर्स द नॉइस, जहाँ नॉइस हो रहा था वहाँ की ओर गए दौड़े। दे ओपेंड द डोर, वे लोग दरवाजा को खोले। एंड साव ए मशीन, और एक मशीन यानी मशीन मशीन को देखे। हु वाज कॉलिंग देम, तो उन लोग को बुलाया जा रहा था, कौन उन लोग को बुला रहा था? हु वाज कॉलिंग देम, उन लोग को कौन बुला रहा था? रिसु एंड खुशी रन टू सी व्हाट इज देयर, जो वहाँ बुला रहा था उन लोग को। हु वाज कॉलिंग देम, जो उन लोग को बुला रहा था कौन? रिसु एंड खुशी रन टू सी, देखने के लिए खुशी और रिसु जो है गए दौड़े। व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है? तो रिसु कहती है हे हु आर यू, कंप्यूटर के सामने गई मशीन के सामने, कहती अरे आप कौन हैं, आह आप कौन हैं यार, आप कौन हैं? तो मशीन यानी मशीन बताता है यानी कंप्यूटर, हेलो फ्रेंड आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मित्रों मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक जो अपने आप इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से चलता है। यू कैन कॉल मी ए कंप्यूटर, तुम लोग मुझे एक कंप्यूटर के नाम से पुकार सकते हो। तो खुशी कहती है व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर जवाब देता है आई हैव कम हियर टू प्ले विथ यू, मैं यहाँ आप लोगों के साथ खेलने आया हूँ। तो रिसु जवाब देती है, रिसु कहती है बट हाउ कैन यू प्ले, लेकिन आप कैसे खेल सकते हैं विथ अस हम लोग के साथ, एज यू डोंट हैव एनी बॉडी पार्ट लाइक अस, जैसे आपके पास तो मेरे हम लोग के जैसा शरीर के अंग भी नहीं है। यू कैन नॉट मूव एंड ईट ऑल्सो, आप इधर उधर चल भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर जवाब देता है फ्रेंड्स मित्रों यू डोंट नो मी, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक हूँ। वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग के लिए सहायक हूँ मतलब फॉर यू आई वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आज लिखा हुआ है अस्त में कि मैं बिजली पर काम करता हूँ, बिजली द्वारा चलता हूँ। You can read with my help, तुम मेरी सहायता से पढ़ सकते हो। You can type anything, तुम कुछ भी लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो देख करके। You can solve the sums, आप जोड़ घटाव या जोड़ का हल कर सकते हो, सम का जोगफल का हल सॉल्व कर सकते हो।
यू कैन ड्रॉ, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आरेख भी बना सकते हैं, चित्रकला ड्राइंग भी कर सकते हो। यू कैन एंजॉय सॉन्ग, आप गीत का आनंद ले सकते हैं। यू कैन प्ले गेम्स ऑल्सो, इतना ही नहीं आप खेल, आप जो है गेम्स भी प्ले कर सकते हो, यानी गेम खेल कूद का कार्यक्रम भी देख सकते हो। तो ये रहा कंप्यूटर का पहला भाग, ये चैप्टर पहला भाग, जिसमें इस चैप्टर का जो है एक वीडियो बनाया गया है। अब आगे दूसरे वीडियो में इसके बाद क्या होगा, क्या होता है, आगे देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, चलिए आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।